आई थी मेरी क्या? हाँ वो मेरे ख्याल से म्यूट हो गया था इसलिए नहीं आ रही थी जी। हाँ। मेरा नाम प्रमोद चौबे है जी, मझौली से हूँ मैं, जिला जबलपुर से जी। सर ये विजय साहू ही मेरे मतलब इष्ट मित्र हैं जी, उन्हीं ने मेरे को नंबर दिया कि आप इनसे जुड़ो। बहुत सुंदर बात आपने कही है। आप मुझे केवल इतनी बात बताइए कि क्या आपको अपने लिए परिवर्तित भारत चाहिए जी? आपको अपने लिए परिवर्तित भारत चाहिए जी? बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं? मतलब सर जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होगी अपन करेंगे सर उसके लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये अभियान जो है ना केवल आपको अपराध मुक्त भारत, ना केवल भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बट एक आमूल चूल परिवर्तन दे रहा है जी। पहली बात तो ये है कि आपका आपके ऊपर अभी भी जो है ना गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, इस बात का आपको एहसास है क्या? सर जहाँ लगता है अपन को कि अपने साथ गलत हो रहा तो वहाँ तो एहसास हो ही करेगा सर। हाँ। बराबर होगा। हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ अपन को लगता है सर कि यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिल रहा है तो वो तो सर अपराधी की श्रेणी में आएगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह कुछ दूसरी है। इसकी इसकी वजह है कि आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वही थोपे हुए हैं जी। और सुधार के नाम पर जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट भी किए गए उसमें हम जैसे लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं जी। तो आम जनता ज्यादा बड़ी गुलाम हो गई है कि नहीं हो गई है? जी बिल्कुल सर, दैट इज द पॉइंट। आज आपका सिर फटा हुआ है, आप थाने में जाते हैं, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है जी जी, जबकि जो पैसे वाले हैं या राजनीतिक दबाव वाले हैं वो आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट भी लिखा लेते हैं। हाँ सर, आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है और उनकी झूठी रिपोर्ट के में एक घंटे में पुलिस आपके पास पहुंच जाती है। एकाध व्यक्ति की कोई गलती हो सकती है, पूरे कुनवे को जो है ना अपराधी बना के जो है ना पकड़ के ले जाते हैं जी। इवन महिलाओं को भी जो है ले जाते हैं जो कि नियम विरुद्ध है जी, क्योंकि आप महिलाओं को थाने नहीं ले जा सकते हैं यदि वो अपराधी नहीं है तो आप तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है जी। अब आप ये बताइए कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है वो भी गड़बड़ है, ठीक है ना? जी जी। आइए तो चौबे जी, आपने पूरा नाम क्या बताया था? प्रमोद चौबे साहब। प्रमोद चौबे जी, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, हम लोग बाद में विस्तार से बात करेंगे जी। जी जी सर। चलिए, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। हाँ।